पद्मावत फिल्म पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये दे दें कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स से राहत के आसार कम हैं। दरअसल तेल मंत्रालय, जिसकी तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम करने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, उसे नहीं माना है। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, मतलब पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स से राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद कम। वित्तीय घाटे की वजह से टैक्स नहीं घटेगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल जिस पर करीब 19 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का लगती है एक्साइज ड्यूटी, और डीजल की अगर बात की जाए तो उस पर भी करीब 15 रुपए से ज्यादा की प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तेल मंत्रालय की तरफ से एक ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने रखा गया था कि आप इसे घटा दीजिए ताकि कीमतें जो बेलगाम हो रही है पेट्रोल डीजल की, उससे आम आदमी को कुछ राहत मिल जाए, लेकिन ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की तरफ से ठुकरा दिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि वित्तीय घाटे की चिंता को देखते हुए ये फैसला जो वित्त मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। तो वित्तीय घाटे की वजह से टैक्स नहीं घटेगा पेट्रोल डीजल पर, ज्यादा टैक्स से राहत मिलने की अब उम्मीद कम। सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शिशिर, टैक्स नहीं घटेगा? बिल्कुल, अभी तक जो संकेत हमें मिले हैं वित्त मंत्रालय से, वो ये कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी पे कमी करना अभी संभव नहीं है, और उसकी वजह बहुत साफ है। सरकार की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी। जीएसटी से भी कमाई जो है वो पिछले महीने कम हुई थी, हालांकि दिसंबर के महीने में कमाई थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं हुई है कि वो लोगों को राहत दे सके। सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती ये भी है कि वो किस तरीके से अपने फिस्कल डेफिसिट को, यानी कि सरकारी खजाने के घाटे को 3.2% तक सीमित रखे। यही सब कारण है जिसके चलते उम्मीद कम है कि एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी होगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।